हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति से संबंधित एक प्रश्नावली को हल किया है। आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह। देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात हैं। कितने अनुपात हैं? 6 अनुपात हैं त्रिकोणमिति में, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, अगला है टेन थीटा, अगला है कॉट थीटा, अगला है सेक थीटा, अगला है कॉसेक थीटा। ये हमारे पास क्या है? 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। आज हम इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके जाएंगे और वहां पढ़ेंगे कि इनके उन चतुर्थांशों में क्या क्या चिन्ह होते हैं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपके साथ एक वृत्तीय माप का क्या वृत्त बनाया था, जिसमें हमने कहा था कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है, जिसकी त्रिज्या क्या है? एक इकाई है, जिसकी त्रिज्या एक इकाई थी। हमने यहाँ पर क्या लिया था? एक पॉइंट P लिया था और उसके निर्देशांक क्या थे? A और B थे। उसके निर्देशांक क्या थे? A और B थे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो थी वो क्या थी? एक। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और हमने कहा है कि जो हमने वृत्त लिया है वो क्या है? इकाई त्रिज्या का है। किसका है? इकाई त्रिज्या का है। और यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर खींच दिया जो x अक्ष को बता रहा है और ये क्या बता रहा है? वाई अक्ष को, ठीक है ना? जिसे हमने क्या मान लिया था? A को हमने माना था क्या? कॉस थीटा। बी को क्या माना था? साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हमारा कॉस थीटा, ये हमारा क्या है? साइन थीटा। हम लोग क्या सीखने चल रहे हैं? त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह। तो त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह को देखिए, जब हमने क्या करा, किसी प्लेन में एक एक्स अक्ष खींच दिया और एक वाई अक्ष खींच दिया, तो ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा कौन सा है? वाई अक्ष है। तो वो प्लेन कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड हो गया, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसे प्रथम तल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रथम तल बोल रहे हैं। इसे द्वितीय तल बोल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? कोण को वामावर्त दिशा में मापते हैं, तब कोण धनात्मक होता है। इसलिए हम लोग कैसे घूम रहे हैं? ऐसे, घड़ी की सुई चलने के विपरीत दिशा में। तो ये क्या हो गया? प्रथम तल, जिसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये द्वितीय तल है, जिसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारा तृतीय तल है, जिसे हम लोग तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। और ये हमारा चतुर्थ तल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ हमारे पास साइन कॉस तो पहले से ही है, जो क्या है? पॉजिटिव है। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में देखें तो प्रथम तल का जो चिन्ह होता है वो प्लस और प्लस होता है। मतलब x अक्ष का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और y अक्ष का कोऑर्डिनेट भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दूसरे में देखें तो दूसरे में x अक्ष का कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और y अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये रहा दूसरे तल में माइनस और प्लस, ठीक है। देखिए तीसरे तल में x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है, इसलिए तृतीय तल का जो निर्देशांक होगा वो माइनस माइनस होगा। चतुर्थ तल में क्या होगा? प्लस होगा, फिर माइनस होगा, क्योंकि x पहले आता है और y बाद में आता है। पहले भुज लिखा जाता है, फिर कोटि लिखी जाती है। तो ये हमारा x अक्ष है जो कि धनात्मक है, ये हमारा y अक्ष है जो कि ऋणात्मक है, ठीक है। देखिए, आप चाहें तो इन छवों त्रिकोणमिति अनुपातों को आसानी से पढ़ने के लिए यहाँ क्या लिख सकते हैं? A, यहाँ लिख सकते हैं यस, यहाँ क्या लिख सकते हैं? T, यहाँ क्या लिख सकते हैं? C। इसका मतलब है आप इसे शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं A, यस, T, C। क्या याद कर सकते हैं? A, यस, T, C। जहां ए का जो पूरा नाम है उसे हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 है और 6 त्रिकोणमिति अनुपात प्रथम तल में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। आगे देखिए, यहां यस का मतलब हमारे पास क्या है? यस मींस है साइन। यस मींस क्या है? साइन। और इसका उल्टा कौन? कॉसेक। और कौन? कॉसेक। ये दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। बाकी सब जो बच गए वो सब क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ टी फॉर हमारे पास क्या है?
टेन है और टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है, तो टेन और कॉट दोनों ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। या हमारे पास सी है जिसका अर्थ है कॉस, और कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी सब हमारे पास जो शेष चार त्रिकोणमितीय अनुपात रहेंगे वो क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो हमने क्या देखा, ए एस टी सी के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ कॉस और साइन लिया है तो उस हिसाब से भी देख लेते हैं। देखिए अगर आपको यहाँ टेन बनाना है प्रथम तल में, तो टेन के लिए कौन आएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान क्या, कॉस थीटा। अगर साइन थीटा, साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से जो आंसर हमें मिलने वाला है वो भी कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव ही मिलने वाला है। अगर अब टेन पॉजिटिव है तो टेन जो होता है वो किसका, कॉट का उल्टा होता है, इसलिए टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होने वाला है। और कौन पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, वन अपान कॉस थीटा। और जब कॉस थीटा ही पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एफ आर ऑल पॉजिटिव, एफ आर क्या है हमारे पास, ऑल पॉजिटिव है, ठीक है। जिसमें कौन कौन से आएंगे, यहां अगर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम लिखें तो कौन कौन आएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये सब के सब क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। यहां साइन और कॉस क्या रहेंगे, साइन और कोसेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। फिर कौन आएगा, कॉस आएगा, फिर टेन आएगा, फिर कॉट आएगा, फिर सेक आएगा, ये सब क्या रहने वाले हैं, निगेटिव रहने वाले हैं। या हमारे पास क्या है, टेन और कॉट है, टेन और कॉट को छोड़ दीजिए तो कौन कौन बच रहा है, साइन बच रहा है, कॉस बच रहा है, सेक बच रहा है और कॉसेक बच रहा है, ये सब हमारे लिए क्या रहने वाले हैं, निगेटिव रहने वाले हैं। ये सब हमारे लिए क्या रहने वाले हैं, निगेटिव रहने वाले हैं। यहाँ कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव है, तो बचा कौन, साइन टेन कॉट कॉसेक, ये सब हमारे पास क्या है, निगेटिव है। कॉस और सेक हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मीन्स प्रथम तल, द्वितीय तल और तृतीय तल के साथ चतुर्थ तल में भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह के बारे में जानकारी मिल गई होगी। हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्नावली की तरफ, हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे हम लोग, जिसमें पहली सवाल है कॉस एक्स बराबर -1/2 एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। उन्होंने कहा है कि पहली सवाल में कॉस एक्स बराबर -1/2 और कहा है यक्ष जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है, यक्ष कहाँ है, तीसरे चतुर्थांश में। अगर यक्ष तीसरे चतुर्थांश में है तो हम लोग देखे हैं ए एस टी सी, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या है, निगेटिव रहने वाले हैं। उन्होंने हमें कॉस दिया है और क्या पूछा है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष 5 कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से उन्होंने हमें कितना, एक दिया है और बाकी 5 के बारे में हमसे जानकारी मांगी गई है। तो टेन और कॉट यहां तीसरे खाने में टेन और कॉट क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं, बाकी सब क्या होने वाले हैं, निगेटिव होने वाले हैं। तो देखिए अगर हमें कॉस के बारे में जानकारी है तो कॉस के बारे में जानकारी होती हमें पता है कि यदि हम sec थीटा निकालना चाहें, sec x निकालना चाहें, तो sec x बराबर होता है 1 अपान cos x। तो यह हो जाएगा क्या, sec x बराबर 1 अपान cos x की वैल्यू क्या है, -1/2। अब क्या होगा, ये हर के हर में है इसलिए हर ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sec x बराबर 2/1, वो भी माइनस में, तो हमारा आंसर हो जाएगा sec x बराबर -2। ये रहा आपका क्या, एक और भी अनुपात जो हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, sec x बराबर क्या, -2, ठीक है। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग सर्वसमिका प्रयोग कर लेते हैं, क्या सर्वसमिका, कौन सी सर्वसमिका लगाते हैं, सर्वसमिका लगा ले रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, एक होता है, ठीक है। ये सर्वसमिका जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना, एक। हमें कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू दी गई है, यहां हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू है 1/2, वो भी माइनस में, का होल स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर एक्स प्लस
स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1। 1/4 यहां से क्या होगा, पक्षांतर होगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - 1/4। 1 - 1/4 तो क्या होगा, इसे हम लोग हल करेंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 -1/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4 में से 3/4। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटते ही ये जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, मतलब साइन एक्स बराबर √3/4 और रूट से बाहर निकलेगा 3 तो बाहर निकल नहीं पाएगा, 4 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर √3/2। आपको एक और त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया, कौन सा, साइन का। ठीक है, साइन का मिलते ही आप क्या कर सकते हैं, एक और अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, वो कौन है, कॉसेक का। क्यों, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, देखिए कॉसेक ज्ञात कर लेते हैं, कॉसेक एक्स बराबर 1/ क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स बराबर 1/ क्या, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, √3/2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, cosec x बराबर 2/√3। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, जब ने यहां से क्या किया था, वर्ग हटाया था, तो यहां हमें क्या लेना है, प्लस और माइनस, क्या लेना है, प्लस और माइनस, बात तीसरे खाने की हो रही है, इसलिए तीसरे खाने में साइन नेगेटिव होने वाला था, इसलिए साइन एक्स बराबर -√3/ कितना, 2। तो यहां भी माइनस रखेंगे और यहां भी आंसर हमारा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। आपके पास एक और भी त्रिकोणमितीय अनुपात का आंसर आया, वो कौन है, cosec x, कौन है, cosec x बराबर -2/√3। एक अनुपात, दूसरा अनुपात और ये तीसरा, बचे कितने हैं, और एक उन्होंने खुद दिया था, बचे हमारे पास कौन है, tan और cot बचे हैं। तो देखिए tan निकाल लेते हैं, tan x बराबर हमारे पास क्या होता है, tan x बराबर हमारे पास होता है sin x बटा क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, तो tan x याद करना है तो sin की वैल्यू रख दीजिए, tan x बराबर क्या हो जाएगा, sin x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -√3/2 और पूरे का बटा cos x, cos x की वैल्यू कितनी है, -1/2। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, और यहां आंसर हो जाएगा tan x बराबर कितना, √3। ये रहा क्या आपके पास अगला त्रिकोणमितीय अनुपात, हम लोग कुल 1, 2, 3, 4 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर चुके हैं, 5 ज्ञात करना था, जिसमें एक और बचा है, वो कौन है, cot है। cot को क्या करेंगे, tan से लगा देते हैं, किससे लगा देते हैं, tan से। देखिए tan cot x बराबर 1/ क्या होता है, tan x होता है, तो यहां हो जाएगा cot x बराबर tan के लिए वैल्यू हो जाएगी 1/ tan का मान कितना है, √3। ये क्या हो गया हमारे लिए, cot x हो गया। ठीक है ना, तो आपको कुल मिला जुला करके आपको 5 के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गए, कौन कौन से, पहला sec मिला, फिर sin मिला, फिर cosec मिला, फिर tan मिला, फिर cot मिला। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और एक उन्होंने खुद दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 में सवाल है कि sin x बराबर 3/5, sin x बराबर 3/5 कह रहे हैं, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, x कहां है, x दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, कह रहे हैं x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अगर दूसरे में है तो हमने आपको सिखाया है a s t c, तो दूसरे में कौन आता है, s आता है, यस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा कौन, कॉसेक। साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब जो भी रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। तो साइन की वैल्यू खुद से पॉजिटिव है ही, अगर साइन पॉजिटिव है तो हम एक और भी ज्ञात कर सकते हैं, वो कौन सा है, कॉसेक। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कॉसेक एक्स बराबर 1/ साइन एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स बराबर 1/ साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5, और ये जब भिन्न में बदलेगा, ये वाली लाइन गुणे में बदलेगी तो 5 अंश में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, cosec x बराबर 5/3। ठीक है, ये रहा आपका क्या, पहला आंसर, जिसमें हमें 5 में से एक कम हो गया, हमने अभी क्या ज्ञात करना है, 4 और ज्ञात करना है, तो cosec x बराबर कितना हो गया, 5/3। अगला देखते हैं, अगला कौन सा ज्ञात करना है, साइन हमारे पास है ही,
पास याद कर लेते हैं कैसे, सर्वसमिका से, कैसे सर्वसमिका से। हमारे पास सर्वसमिका क्या है, सर्वसमिका है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना, एक। अगर हम लोग देखें साइन को तो साइन की वैल्यू कितनी है, तीन बटा पांच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना, एक। ये हो जाएगा तीन तरीका नौ बटे पांच प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना, वन। नौ बटे पांच क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो गया, जब बराबर उस पर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस नौ बटा पांच। यहां हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर पांच एकन्नम पांच माइनस नौ बटे कितना, चार। अगर हम लोग पांच में से माइनस नौ घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, माइनस चार बटे कितना, चार। यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना, साइन की वैल्यू तीन बटे पांच, अच्छा सॉरी यहां गलती हुई है, यहां हो जाएगा तीन त्रिका नौ और पांच का वर्ग कितना, पच्चीस। यहां भी कितना हो जाएगा, पच्चीस, ठीक है। यहां हो जाएगा पच्चीस माइनस नौ बटे कितना, पच्चीस। पच्चीस में से नौ घटा देंगे तो सोलह बटे कितना हो जाएगा, पच्चीस। स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर सोलह बटे कितना, पच्चीस। और कॉस एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास, अच्छा दूसरे खाने में बात हो रही है तो दूसरे खाने में कौन कौन, साइन और कॉस पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो यहां क्या आएगा, यहां प्लस माइनस आता है, रूट हटाए वर्ग हटाएंगे तो रूट लगेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो यहां से क्या लिया जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा चार और ये कितना हो जाएगा, पांच। कॉस एक्स की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिली है कॉस एक्स की वैल्यू, माइनस चार बटे पांच, ठीक है। ये रहा कॉस एक्स, साइन मिल हमें साइन दिया था, कॉस एक्स मिल गया, कॉस मिल गया है, कॉसेक और कॉस बचा, कौन कौन है, टेन बचा है, कॉट बचा है और सेक बचा है। अच्छा कॉस कॉस मिला, कॉस मिला तो हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स बराबर होता है वन अपान कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, sec x बराबर वन अपान कॉस की वैल्यू कितनी है, माइनस चार बटे पांच। पांच क्या हो जाएगा, अंश में चला जाएगा तो sec x बराबर हो जाएगा माइनस पांच बटे चार। ये आपको क्या मिली, एक और भी वैल्यू मिल गई जिसमें sec x की वैल्यू मिल गई। हमें अब ज्ञात क्या करना है, हमें अब ज्ञात करना है कौन कौन सा, tan और cot। चलिए tan ज्ञात कर लेते हैं, tan के लिए होता है tan x बराबर sin x बटे क्या, cos x, ठीक है। tan x बराबर होता है क्या, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है। देखिए अब हम लोग साइन की वैल्यू रख देते हैं टेन के लिए, तो टेन एक्स बराबर हो जाएगा साइन, साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन की वैल्यू है तीन बटे पांच और पूरे का बटा कॉस एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस चार बटे पांच। ये जो पांच हर का है और यहां में पांच जो हर का है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे डिवाइड होकर के, तो यहां हो जाएगा माइनस तीन बटे चार जो कि कौन है, टेन एक्स है, कौन है, टेन एक्स है। जैसे ही टेन एक्स मिला आप कॉट के बारे में तो बोल ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो कॉट एक्स बराबर हो जाएगा वन अपान टेन एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट एक्स बराबर वन अपान टेन की वैल्यू कितनी है, माइनस तीन बटे चार, चार हो जाएगा अंश में, तो यहां हो जाएगा कॉट एक्स बराबर माइनस चार बटे तीन। ये रहा आपका लॉस्ट वैल्यू जिसमें हम लोग एक दो तीन चार पांच, ठीक है, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सवाल नंबर दो के लिए भी ज्ञात किए जा चुके हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न में उन्होंने कहा है कॉट एक्स बराबर तीन बटा चार, यक्ष तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तब शेष पांच त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। यक्ष जो है वो हमारा कहां है, तृतीय चतुर्थांश में, यक्ष जो है हमारा कहां है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। देखिए कॉट एक्स बराबर तीन बटे चार है और एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, शेष पांच त्रिकोणमितीय अनुपात अगर तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो आपको याद रखना है ए एस टी सी से, टी फॉर टेन और कॉट, तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी जितने भी हैं सब क्या रहने वाले हैं, निगेटिव रहने वाले हैं, इसलिए कॉट एक्स बराबर तीन बटे चार हमारे पास दिया गया है। देखिए कॉट एक्स बराबर यदि तीन बटे चार दिया है तो हम सबसे पहले इससे टेन ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन एक्स बराबर क्या, टेन एक्स बराबर वन अपान क्या होता है, कॉट एक्स होता है, तो टेन एक्स बराबर हो जाएगा वन अपान तीन बटे चार, चार ऊपर चला जाएगा तो यहां हो जाएगा क्या, tan x बराबर चार बटे तीन। ये रहा आपका पहला आंसर,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें कॉट पता है, हमें क्या पता है, कॉट पता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, सर्वसमिका। सर्वसमिका कौन सी सर्वसमिका यूज करें? पहली सर्वसमिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। दूसरी सर्वसमिका वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरी सर्वसमिका है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसी का प्रयोग करेंगे। वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पास कॉट दिया है, हम इसे क्या करेंगे, कॉसेक ज्ञात कर लेंगे। देखिए ध्यान से क्या करते हैं, कॉट की वैल्यू रख देते हैं। कॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, तीन बटे चार। यहां कितना हो जाएगा, तीन बटे चार का होल स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखिए यहां हो जाएगा वन प्लस तीन त्रिका नौ, चार चौक सोलह बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहां हो जाएगा सोलह का नाम सोलह प्लस नौ बटे सोलह बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। आगे देखिए सोलह नौ कितना हो जाएगा, पच्चीस बटा सोलह बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर पच्चीस बटा सोलह बाहर निकलेगा। टेन और कॉट को छोड़कर बाकी सब निगेटिव होने वाले हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू ली जाएगी वो कौन सी वैल्यू ली जाएगी, निगेटिव पांच बटे कितना हो जाएगा ये चार, ठीक है। ये रहा आपका क्या, कॉसेक का मान, किसका मान है, कॉसेक का मान है। अब कॉसेक मिलते ही आप जान ही रहे हैं कि साइन इसका क्या होता है, उल्टा। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर हो जाएगा वन अपान कॉसेक एक्स, वन अपान कॉसेक एक्स। तो यहां हो जाएगा साइन एक्स बराबर वन अपान कॉसेक एक्स की वैल्यू माइनस पांच बटे चार है, माइनस पांच बटे क्या है चार, चार कहां हो जाएगा अंश में हो जाएगा, तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस चार बटे पांच। ये रहा क्या साइन। देखिए अब हमारे पास क्या क्या है, टेन भी है, कॉट भी है, साइन है, कॉसेक भी है। हमारे पास कॉस नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, कॉस नहीं है। तो कॉस ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अच्छा वो क्या लगा लेते हैं, सूत्र लगा लेते हैं पहली सर्वसमिका। कौन सी सर्वसमिका, पहली सर्वसमिका, क्योंकि हमें वहां कॉस चाहिए, क्या चाहिए कॉस। फिर से सर्वसमिका प्रयोग करेंगे, सर्वसमिका कौन सी सर्वसमिका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना एक। क्यों, क्योंकि और भी हमारे पास कोई सूत्र नहीं था, कॉस एक्स से क्या होगा वन अपान साइन होगा, टेन से होगा तो साइन अपान क्या होगा कॉस होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग सर्वसमिका प्रयोग कर लेते हैं। देखिए सर्वसमिका में हमारे पास क्या है, साइन एक्स, क्या है साइन, तो साइन की वैल्यू तो हमें पता है, साइन की वैल्यू कितनी है माइनस चार बटे पांच का क्या होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना एक है। यहां स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, चार चौक सोलह बटे पच्चीस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना एक। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस इस पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा सोलह बटे कितना पच्चीस, ठीक है। हल कर लीजिए इसे, इसे हल करेंगे जब हम लोग तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या पच्चीस से कन्नम पच्चीस माइनस सोलह बटा कितना पच्चीस। देखिए हल करेंगे इसे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर पच्चीस में से सोलह गए कितना हो जाएगा नौ बटे कितना पच्चीस, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगी रूट लगेगी और रूट हो जाएगा उन्नीस, नौ बटा कितना पच्चीस प्लस माइनस रूट अंडर नौ बटा कितना पच्चीस। रूट से बाहर निकालिए, रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कॉस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस तीन बटा कितना पाँच। ये रहा आपके लिए कॉस एक्स का मान, ठीक है। कॉस एक्स जैसे ही मिला तो आप क्या कर सकते हैं, सेक ज्ञात कर सकते हैं। सेक एक्स आप स्वयं ज्ञात कर लीजिएगा क्योंकि सेक एक्स बराबर होता है वन अपान कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू यहां से क्या कीजिएगा, यहां पुट कीजिएगा और सेक एक्स वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार हमारे पास है सेक एक्स बराबर तेरह बटे पांच। सेक एक्स बराबर तेरह बटे पांच है और एक्स कहाँ है चतुर्थ चतुर्थांश में, एक्स जो है वो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो हमें क्या करना है, शेष पांच त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ उन्होंने लिखा है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश का मतलब ए एस
टी सी, ये चौथा वाला है, तो सी फॉर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और कॉस को उल्टा कौन हो जाएगा, सेक हो जाएगा। कॉस और सेक क्या हो जाएंगे, चौथे खाने में पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी जो चार शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं वो सब क्या रहने वाले हैं, निगेटिव रहने वाले हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया, उन्होंने सेक दिया है, सेक दिया तो हम लोग किससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, कॉस तो ज्ञात ही कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे लिए, कॉस एक्स बराबर वन अपान सेक एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर वन अपान सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/5, क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा अंश में, तो यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस एक्स बराबर 5/13, ठीक है, ये रहा आपका पहला आंसर। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वसमिका प्रयोग कर लेते हैं, क्या सर्वसमिका से, कहाँ से, सर्वसमिका से, क्या है सर्वसमिका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना, 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन हमें पता नहीं है, कॉस की वैल्यू कितनी है, 5/13, यहाँ हो जाएगा 5/13 का क्या होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर, अच्छा एक मिनट, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 13 का हो जाएगा 169 बराबर कितना, 1, हम लोग इसे क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - 25/169, यहाँ हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 169 - 25/169, 169 में से जब 25 घटा देंगे हमारे पास क्या बचेगा, 144/169। देखिए स्क्वायर हटाते हैं हम लोग, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 144/169। देखिए रूट से बाहर निकालेंगे तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा माइनस, क्यों माइनस लेंगे हम लोग, क्योंकि चौथे खाने में कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब निगेटिव होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा -12/13। साइन मिल गया, साइन मिला तो हम लोग साइन से क्या ज्ञात कर सकते हैं, कॉसेक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कॉसेक एक्स बराबर वन अपान साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा क्या, कॉसेक एक्स बराबर वन अपान साइन की वैल्यू कितनी है, -12/13, 13 क्या हो जाएगा अंश में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स बराबर -13/12, ये कौन है, कॉसेक एक्स है, ठीक है। एक दो, अच्छा साइन के लिए ये रहा, दो और ये 3, ठीक है, कॉस एक तो हमें दिया ही है, अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, टेन ज्ञात करना है और कॉट ज्ञात करना है, तो देखिए टेन के लिए क्या हो जाएगा, टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटे क्या होता है कॉस एक्स, साइन भी हमारे पास है और कॉस भी हमारे पास है, तो साइन एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स की वैल्यू है, टेन एक्स बराबर साइन एक्स की वैल्यू है -12/13, और कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/13, यहाँ क्या हो जाएगा टेन एक्स बराबर ये 13 से 13 क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा तो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा -12/5, ये कौन हो गया, टेन हो गया। अब इसी प्रकार से हमें कॉट ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं कॉट टेन का क्या होता है, उल्टा होता है, तो आप ज्ञात कर लीजिए कॉट एक्स बराबर वन अपान क्या टेन एक्स, वन अपान क्या टेन एक्स, ठीक है। आप टेन की वैल्यू यहाँ से ला के यहाँ रखिए और क्या कॉट एक्स प्राप्त कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है टेन एक्स बराबर -5/12 और जो एक्स है वो कहाँ है, दूसरे चतुर्थांश में, कहाँ है दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है, एक्स जो है वो हमारा कहाँ है दूसरे चतुर्थांश में है, अगर एक्स हमारा कहाँ है दूसरे चतुर्थांश में है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। ध्यान दीजिए ए एस टी सी के हिसाब से दूसरे चतुर्थांश में यस मिलेगा और यस का मतलब होगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब जो रहेंगे वो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात वो सब क्या रहेंगे निगेटिव रहेंगे। तो हमें टेन दिया है, टेन दिया है तो हम इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, कॉट तो ज्ञात ही कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा सबसे पहला कॉट एक्स बराबर वन अपान टेन एक्स, कॉट एक्स बराबर हो जाएगा वन अपान -5/12 अर्थात कॉट एक्स बराबर हो जाएगा -12/5। ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है, कौन सा है पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है। चलिए देखते हैं हम लोग और क्या ज्ञात कर सकते हैं,
यहां से तो आप कुछ नहीं याद कर सकते हैं बिना सर्वसमिका के। तो पहली सर्वसमिका तो लगेगी नहीं, क्योंकि उसमें आता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, हमारे पास है नहीं। हम लोग वो सर्वसमिका लगाएंगे जिसमें टैन और कॉट आते हो। तो लगा देते हैं दूसरी सर्वसमिका। कौन सी सर्वसमिका? दूसरी सर्व समिका 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स से, ये सर्व समीका लगा देते हैं। ध्यान से देखिए, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है तो टैन एक्स की तो वैल्यू हमें पता है। यहां हो जाएगा 1 प्लस टैन का मान माइनस 5 बटे कितना है 12 का, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर करेंगे तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 12 का हो जाएगा 144 बराबर सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1 को एक सौ इसे क्या करेंगे इसे हल कर लेंगे, इसका बटा क्या कर लेते हैं 1, यहाँ हो जाएगा कितना 144 प्लस 25 बटा 144 बराबर क्या सेक स्क्वायर एक्स। 144 में जब 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169 बटा 144 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 169 बटा 144 प्लस माइनस बराबर कौन सेक एक्स, या सेक एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 13 बटे 12। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग जिस खाने की बात कर रहे हैं उसमें साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब निगेटिव रहने वाले हैं, तो सेक हमारा क्या रहेगा निगेटिव रहेगा। सेक निकल गया, सेक निकलते ही हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं कॉस तो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा कॉस एक्स बराबर 1/ सेक एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स बराबर 1/ सेक की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस तेरह बटे बारह। तो यह क्या हो जाएगा कॉस एक्स बराबर 12/13, वो भी किसमें माइनस में, ये रहा आपके लिए क्या कॉस। ठीक है, अब हमारे पास कौन और बचा है, टैन कॉट हो गया सेक और क्या हो गया कॉस हो गया, हमारे पास साइन बचा है। कौन बचा है साइन बचा है और कौन बचा है कॉसेक बचा है, साइन और कॉसेक। ठीक है, देखिए साइन और कॉसेक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस हमारे पास है सर्वसमिका लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं सर्वसमिका, कौन सी सर्वसमिका लिखते हैं सर्वसमिका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 से। तो यहाँ हमारे पास साइन तो पता नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा प्लस कॉस, कॉस की वैल्यू माइनस 12/13 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर कितना 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 12/ में 144, 13 का हो जाएगा 169 बराबर कितना 1। हम इसे क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 144 बटा 169। इसे हल कर लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 169 माइनस 144 बटा 169, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 25 बटा 169। ठीक है, आगे हल कर देते हैं इसे, यहाँ हो जाएगा क्या साइन को साइन से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर, वो भी प्लस माइनस क्या 25 बटा 169, क्या हो जाएगा साइन एक्स बराबर क्या पॉजिटिव लेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये रहा क्या साइन। ठीक है, साइन मिल गया, साइन मिलते ही हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कॉसेक तो ज्ञात ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉसेक होता है वो साइन का क्या होता है उल्टा होता है, तो कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा 1/ साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू आप यहां रखेंगे और कॉसेक एक्स स्वयं से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।